तो हाय दोस्तों, वेलकम टू कासिम मोटो। उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि हम आज आए हुए हैं खेत देखने के लिए। ये करीब लास्ट का समय है, देखिए कि अब धान जो है पूरी तरीके से निकल चुका है। इससे पहले जो हम आए थे तो अभी इसमें जो है क्या बोलते हैं, धान निकलने जा रहा था, और इस बार तो पूरा कंप्लीट निकल चुका है। जो भी थोड़ा बहुत बाकी होगा तो वो भी निकल जाएगा। तो आज हम दोस्तों आए हुए हैं कि देखते हैं कि खेतों में हाल है कि नहीं, पानी वगैरह सूख तो नहीं गया पूरा। यानी कि क्या होता है ना कि जब पूरा खेत सूख जाएगा तो इससे अच्छे से धान में जो है वो चावल नहीं बन पाएगा। इस वजह से आज हम देखने के लिए आए हुए हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले कि अब तो मेरे वालिद साहब खेत नहीं आ सकेंगे, सारा जिम्मेदारी तो उन्हीं का था, खेत देखना वगैरह हर चीज़ उन्हीं का था सारा जिम्मेदारी। लेकिन अब अगले साल से ही, करीब एक साल से दो महीना ज़्यादा हो गया, उन्हें पैरालिसिस हो गया, तो इस वजह से वो अब मेरे यहाँ पर नहीं आ सकते। वो तो घर में ही परेशानी से रहते तो खेत को कैसे देखने के लिए आएंगे। तो सारी जिम्मेदारी अब हम ही लोगों का रहा। हम दो तीन भाई हैं, सभी मिलके अब खेती करते हैं। करीब 2 बीघा यहाँ पे खेत है। तो इस बार जो हमने खेतों में धान दिया था वो सोनम का धान दिया था, और सोनम धान देख सकते हैं दोस्तों कुछ तरीके से होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, ये सोनम धान है। सोनम धान थोड़ा सा लंबा होता है, बहुत लोग ये धान खाते हैं, चावल खाते हैं शहरों में। तो हम लोग तो खैर ये चावल नहीं खाते, हम लोग खाते हैं ये सरना चावल। तो सरना का जो है इस बार का खेती कुछ ठीक नहीं लग रहा है मुझे। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से चारों तरफ हम देखेंगे, इस तरफ सिर्फ सरना लगाया है, तो सरना का खेती इस बार अच्छी नहीं हुई है। मैंने भी सरना धान दिया है उस तरफ भी नीचे के साइड में, तो अच्छा धान नहीं हुआ, ख़राब हो गया। ठीक है, तो भाई देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी फसल हुई है इस बार, माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। उन्हीं का सारा चीज़ भाई, कि वो अगर ताकत देंगे खेतों में तो धान उगेगा, धान बनेगा, नहीं तो हमारी कोई ताकत नहीं भाई, हम कुछ नहीं कर सकते इसके लिए। तो चलो देखते हैं, हम दूसरी तरफ भी जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं कि गलसा लग गया, इस जगह पर धान नहीं हुआ, खराब हो गया, कीड़े ने खा गया उस जगह पर। तो देखिए, ये है हमारा सरना धान का खेत। इस बार धान मतलब इधर ठीक नहीं हुआ, और इधर का बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देख लिया कि हमारा खेत कैसा है, अभी धान कितना निकला है, कैसा उपजा होगा इस बार, आप लोगों ने देख लिया। तो इसी तरह से बने रहे हमारे कासिम मोटो ब्लॉग चैनल में, मैं कुछ ना कुछ छोटी मोटी चीज़ें दिखाता रहूँगा। थैंक यू, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और फॉलो सब्सक्राइब कर देना।